सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम और सच्चा वाक़या बताने जा रहे हैं। वाक़या उन दिनों का है जब कूफा इस्लामी हुकूमत का मरकज़ यानी राजधानी हुआ करता था। एक रोज़ शहर के बाहर दो आदमियों की मुलाकात सड़क के किनारे होती है, जिसमें एक मुसलमान और एक अहले किताब यानी यहूदी या ईसाई होता है। दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे की मंजिल मालूम करते हैं, यानी किसको कहाँ जाना है। मुसलमान ने बताया, मुझे कूफा शहर जाना है। अहले किताब ने कूफे से आगे की कोई और जगह बताई। दोनों ने तय किया कि जहाँ तक दोनों का रास्ता साथ है, दोनों इकट्ठे सफ़र करेंगे ताकि बातचीत करते हुए सफ़र आसानी से कट जाए। अब चलते चलते वो मकाम आया कि जहाँ दोनों की राहें जुदा होती थीं, यानी अलग होती थीं। अहले किताब अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसने देखा कि कूफा जाने वाला शख्स अब भी उस आदमी के साथ आ रहा था। अहले किताब ने आने वाले से कहा कि आपको तो कूफा जाना था, फिर आप मेरे साथ क्यों जा रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि मुझे कूफा जाना है, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यानी कहा है कि जब दो आदमी साथ सफ़र कर रहे हों तो एक आदमी का दूसरे आदमी पर कुछ हक पैदा हो जाता है, लिहाजा मैं तेरा हक अदा करने के लिए चंद कदम तेरे साथ चलूँगा, उसके बाद अपने रास्ते पर लौट जाऊँगा। उस शख्स ने कहा कि पैगंबर की तालीमात और इखलाक ऐसे थे, तभी तो इस्लाम फैला, मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसके बाद वो शख्स ये जानकर हैरान रह गया कि साथ चलने वाला कोई और नहीं बल्कि इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा है, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। बस वो ईमान ले आया और मुसलमान हो गया और मौला अली अलैहिस्सलाम के वफ़ादार साथियों में शुमार किया जाने लगा। तो बताइए नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।